गुना जिले में शहर के जयस्तंभ चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर की बदहाल सड़कों पर हो रहे गड्ढों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता ने अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए हाथों में बेशरम के पौधे लेकर एबी रोड जयस्तंभ चौराहे पर नगर प्रशासन व राज्य सरकार होश में आओ जैसे नारेबाजी की। वही कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ का कहना है कि नगर में वर्षों बीत चुके हैं लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष सड़कों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पढ़ने वाले बच्चे भी इस सड़क से आते जाते हैं, इसलिए आज हमने यह सड़क के गड्ढों पर प्रदर्शन किया है जिससे कि नगर पालिका अध्यक्ष का ध्यान इन सड़कों के गड्ढों पर जाए और यह सड़क की समस्याओं को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाए। गुना से प्रताप सिंह प्रभाकर की रिपोर्ट। प्रशासन का होश इस तरफ लाने के लिए गुना शहर की जनता सड़कों की जो बद से बदतर हालात है उनसे बहुत परेशान है। गली मोहल्लों में मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े दो दो फीट के खड्डे हुए हैं जिनसे दुर्घटना हो रही है। हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, छात्र छात्राएं स्कूल जाते हैं या और नागरिक जब निकलते तो उनका निकलना, आम नागरिकों का निकलना दूभर हो रहा है। नगर प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। परिषद को गठित हुए दो वर्ष हो गए। हमारा प्रशासन से नगर प्रशासन से ये कहना है, सम्माननीय नगरपालिका अध्यक्ष से हमारा कहना है कि सड़क डामरीकरण तो दूर, सीमेंट कंक्रीट का निर्माण तो दूर, दो वर्ष हो गए। आपको नगर प्रशासन के साथ माननीय नगरपालिका अध्यक्ष जी को साथ में लेना चाहें तो हमारे विपक्ष के सभी पार्षद दोनों के साथ मिलकर हमने क्यों दो वर्ष में शहरों को भ्रमण नहीं किया, कहाँ सड़कों की हालत खराब है कहाँ नहीं है। और एक विशेषण इसमें यह है कि एक वर्ष पूर्व खड्डों को भरने के लिए जब बारिश आती है, बारिश के मौसम के पूर्व नगरपालिका हमेशा पूर्व की नगरपालिका है, ये सब पूरी भरम की व्यवस्था करती रही है, जहाँ सड़कों की व्यवस्था नहीं होती।